हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, हमने एक ऑफ रोडिंग कार मंगाई थी जो आज आ चुकी है, तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग और इसके ऊपर रिव्यू देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने गाड़ी बाहर निकाल दी है, तो गाड़ी कुछ ऐसी है, आप देख सकते हैं। ये रही हमारी कार, रेड इन कलर, रेड ब्लैक एंड सिल्वर। तो मैं आपको बता देता हूँ इस पर क्या क्या लिखा है। इसका जो कंपनी है वो मोटोक्लैन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो इसका जो स्केल है टायर और बॉडी का है वो है 1:18 का। और इसकी जो गीगा हजार्ड कंट्रोल है वो 2.4 का है। और हाँ, ओवर साइज टायर्स ऑफ कोर्स ऐसी गाड़ियों में होने चाहिए, ओवर साइज टायर्स। यहाँ पे और चीज़ें भी लिखी है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड टर्न लेफ्ट एंड राइट, ये आगे पीछे दाएं बाएं ये तो मूव कर सकती है, आपको पता है। शॉक एब्जॉर्ब सिस्टम है इस पे, अगर कुछ शॉक टाइप जैसे कोई झटका होता है कार पे तो ये एब्जॉर्ब कर लेती है आराम से। इसका स्ट्रॉन्ग मोटर पावर है ऑफ कोर्स, ऐसी गाड़ियों पे होता ही है, और हाई स्पीड ड्रिफ्ट है। तो अब आ जाते हैं हम इसके बैक साइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसके कंट्रोलर के बारे में दिखाया गया है। ये इसका एंटीना है, डायरेक्शन व्हील जिससे आप डायरेक्शन दोगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करने के लिए ये है इसका ट्रिगर टाइप, ये इसका हैंडल है। और इसमें दो दो 1.5 वोल्ट की बैटरी यूज़ होगी। अब इस कार का देख लेते हैं। इसका ऑन ऑफ बटन इस तरह सिचुएटेड है, आप देख सकते हैं। और इसमें 3.7 वोल्ट की बैटरी यूज़ होगी। अब इसके कलर्स देख लो, अगर आपको जो इसमें कलर चाहिए आप कर सकते हैं, ब्लू एंड ब्लैक, येलो एंड ब्लैक एंड रेड एंड ब्लैक जो हमने मंगाया है। चलो अब इसे खोल के देखते हैं। तो भाई लोग, ये है हमारी फास्ट किंग। तो मैं इसे बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज, ये तो दिखाना भूल ही गया। ये है इसका चार्जर जिसके आगे यूएसबी केबल टाइप भी लगी है, तो आप इसे अपने फोन के चार्जर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो अभी हम इस कार को निकाल देते हैं। ये रही हमारी कार। इसके प्राइस के हिसाब से इसकी बॉडी की क्वालिटी अच्छी तो नहीं है, मैं कहूँगा। आई एम डिसअपॉइंटेड बाय दिस फैक्ट। तो आ जाते हैं हम इसके रिमोट पे। ओ भाई, रिमोट तो एकदम गेमिंग कंट्रोलर लग रहा है। ठीक है, इसे कहूँगा VR गॉगल्स देखे हैं आप लोगों ने, उसी के हैंडल की तरह लग रहा है। काफ़ी लाइट वेट है और क्वालिटी भी ठीक ठाक है इसकी, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी। तो इसके साथ इनमें बैटरी, यहाँ पे इसका स्क्रू लगा हुआ है जहाँ पे इसकी बैटरी डलती है, देख सकते हैं। और इन्होंने स्टिकर भी लगा रखा है इसे। तो चलो हम इसे ऑन करके देखते हैं। तो ये रहा इसका ऑन बटन, क्या ये ऑन हो चुकी है, कोई साउंड नहीं है। इसके अंदर बैटरी भी है, तो हम जरा पहले इसको खोल के देखते हैं, क्या पता इसके अंदर बैटरी हो या ना हो। तो गाइस, हमने इस पे सेल लगा दी है, तो अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस कार को मोड़ेंगे, इसका अपर तो कुछ अट्रैक्टिव नहीं है, नॉर्मल सा है, प्लास्टिक शीट है आप देख सकते हैं। तो इसके यहाँ पे टायर बड़े इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे इसके जो चारों टायर्स हैं इनको अगर आप दबाएंगे तो ये सॉफ्ट से हैं, जिससे पता चलता है ये कार ऑफ रोडिंग के लिए बनी है।
ज़्यादातर ये ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ होती है। और जो इसके आगे के टायर्स है, इसके यहाँ पे स्प्रिंग है, तो जिसकी वजह से इस कार के टायर इधर उधर हो सकते हैं, आगे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अभी मैं आपको इसे चला के भी दिखाऊंगा। और पीछे के टायर्स पे भी स्प्रिंग है, जिसकी वजह से अगर कोई पत्थर आता है तो ये आराम से फोर्स ले सकता है, जैसे आप देख सकते हैं ये हो रहा होगा। और आगे का भी यही है, ये आराम से फोर्स ले सकता है अगर कोई रॉक या कोई चीज़ आती है। तो गाइस, हमने इसके अंदर बैटरी डाल दी है, तो इसके अंदर बैटरी आपको पहले से नहीं मिलेगी, आपको इसके अंदर अलग से बैटरी डालनी पड़ेगी। तो आ जाते हैं अब इसके कंट्रोल्स पे। इसका जो ट्रिगर है, इस ट्रिगर को आप अंदर की तरफ दबाएंगे तो ये गाड़ी आगे के लिए मूव करेगी, अगर इसे बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये पीछे के लिए मूव करेगी। वैसे इसके स्टेयरिंग में है, अगर आप इसे पीछे की तरफ करते हैं तो ये राइट की तरफ टायर करेगी, और अगर आगे के लिए घुमाते हैं तो ये लेफ्ट की तरफ टायर करेगी। मैं आपको दिखाता हूँ इसे अभी। तो जैसे कि मैंने यहाँ देखिए, ये आगे के लिए प्रेस किया, गाड़ी पीछे हुई। अब ये मैं पीछे के लिए प्रेस कर रहा हूँ, गाड़ी आगे हो गई। ऐसे इसके स्टीयरिंग के साथ है, यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है तो मैं आपको इसका शॉट्स दिखा दूँगा। बाकी इसमें और कुछ तो है नहीं दिखाने लायक, तो चलिए अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग करा के दिखाता हूँ। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये कार पसंद आई होगी तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे खरीद सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप और ऐसे कंटेंट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय।